अपने घर को डेकोरेटेड रखना, क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना, इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं मिला मुझे यूट्यूब पे, पर हाँ एक चीज जरूर समझ में आई कि अपनी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता और अपनी गलती मानना और उसको इम्प्रूव करना उसमें कोई छोटा नहीं होता। और अगर आपको किसी की कोई चीज पसंद आए तो उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी कुछ ऐसे हैक सीखे यूट्यूब से जो मुझे बहुत पसंद आए और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए। जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस तरीके की ग्रोसरी के सैशे सबके घरों में होते हैं और कभी कभी क्लिप लगाना भूल जाते हैं तो जो उसके अंदर सामान होता है वो स्पिल हो जाता है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो भी हम ग्रोसरी खरीदें वो उस पर्टिकुलर कंटेनर में पूरा का पूरा आ जाए, और उसके साथ साथ जो बचा हुआ सामान होता है उस पैकेट में उसको रीसील करके भी रखना होता है सो दैट वी कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। So I found easiest and quickest way to repack is to heat the packet from the gas burner and seal them immediately the way I am doing it. However, be careful for the hot surface and here you go. Your packet is tightly sealed up. But agar aapko lag raha hai ye trick thoda risky hai, so I will provide you another trick to reseal the packet with the help of iron. अपनी आयरन आप ले लीजिए, अपना पैकेट ले लीजिए और उसको जस्ट कट इट स्ट्रेट द वे आई एम डूइंग इट। उसके बाद आप एक एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए और एल्यूमिनियम फॉइल को आप इस तरीके से कवर कर दीजिए दोनों एंड से, एंड देन जस्ट टर्न ऑन योर आयरन और उसको आप आयरनिंग कर दीजिए जैसे हम अपने क्लोथ्स को आयरन करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक अजीब सा अमेजिंग सा मैजिक, बहुत ईजिली ये फॉइल रिमूव हो जाएगा आपके हाथ से और ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पैकेट है वो एकदम सील हो गया है। तो मैजिक ट्रिक ये है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो जो पैकेट होगा वो ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा और इस तरीके से आपके सारे पैकेट्स एक बॉक्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी से पैक हो जाएंगे और कोई स्पिलेज की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आयरनिंग की जब ज़रूरत पड़ती है तो आयरनिंग करके ऐसे ही कबर्ड में रख देते हैं, वायर्स उलझी हुई होती है और जब निकालते हैं फिर उलझी हुई मिलती है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप एक सिंपल सा DIY भी बना सकते हैं कोई भी कार्डबोर्ड से, अदरवाइज आप टॉयलेट का रोल होल्डर ले सकते हैं क्योंकि टॉयलेट का जो रोल होल्डर होता है उसमें काफ़ी स्पेस होती है तो मोटी वायर बहुत आसानी से अंदर चली जाती है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। जब भी आप इसको यूज़ करोगे आप निकालोगे तो आपको उलझी हुई वायर नहीं मिलेगी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर कोई चीज़ हमें मल्टी फंक्शनल मिले जिससे हमारी दो पर्पस सॉल्व हो रहे हो तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने ये बहुत ही अमेजिंग सा कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र देखा जो बहुत ही यूज़फुल है। जब भी मुझे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स चॉप करने होते हैं आराम से इसके अंदर सारा पील आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है और इसके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये कोलैप्सिबल है, आप इसको जब यूज़ करना है तो आप इसको ओपन कर दो और इस तरीके से आप डायरेक्टली इसके अंदर सारे जो पील है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, इससे आपका किचन शेल्फ बहुत क्लीन रहता है, प्लस ये इजी कोलैप्सिबल है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, बहुत ईजली फिट हो जाता है किसी भी किचन कैबिनेट के अंदर और सारा का सारा पील आप एक बारी में कलेक्ट कर लेते हो। अब इससे एक रूटीन बन गया है कि जितनी भी पीलिंग है मैं एक बार में ही कर लेती हूँ और एक ही बार के अंदर मैं सारा ट्रैश बिन में डाल देती हूँ और जब मैं इसे यूज़ नहीं कर रही होती हूँ तो मैं इसको एज अ किचन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ क्लोथ्स रखने के लिए। जो किचन के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं आप उसको, बहुत हैंडी रहता है इस तरीके के अगर आप ऑर्गेनाइज़र में रख लेते हो, सामने दिख जाता है और काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। तो इसमें आप आराम से 5 से 6 क्लोथ्स रख सकते हो। जब मैं कोई भी नैरो बॉटल में कुछ ऐसी डायरेक्टली पोर करती थी तो बहुत ऑयल की वेस्टेज होती थी या कोई भी जो लिक्विड है वो बहुत गिरता था, तो मैंने उसके लिए इस तरीके का फनल लिया जो कोलैप्सिबल है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता और बहुत ईजिली मैं ऑयल पोर कर लेती हूँ और आपको ये ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पर भी। आई विल टेल यू वन मोर ट्रिक। आप एक स्पून लीजिए, एक एंगल पे उसको सेट कीजिए बॉटल के अंदर डाल के और फिर आप उसके अंदर ऑयल पोर कीजिए उस स्पून के हैंडल के ऊपर, तो एक डायरेक्शन फ्लो होगा। थोड़ा मेरा शेक हो रहा था हैंड तो इसलिए थोड़ा सा जा रहा है, बट ऑयल तब भी स्पिल नहीं हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, ऑयल बिल्कुल भी स्पिल नहीं होता नीचे और आपको फनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो मैंने ये वाला हैक देखा जिसमें आप अपनी काली प्रेस को चमका देते हो, एकदम चकाचक कर देते हो। इसके लिए आपको एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और एक प्लायर की। मैंने यहाँ पे डोलो लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, पैरासिटामॉल, डोलो या फिर क्रोसिन, इस तरीके से। और इसको ऐसे रब करो अगेंस्ट दिस प्रेस ऑन कर कर, तो ये मेल्ट हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और फिर आप वाइप कर दो। बट आई हैव नोटिस वन थिंग कि इसमें स्क्रैच लग गया था, क्योंकि जब हम प्लायर से रब करते हैं ना तो मेडिसिन मेल्ट होती रहती है और प्लायर डायरेक्टली आयरन के कॉन्टैक्ट में आता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि प्लायर डायरेक्टली टच ना करे आपकी आयरन को, अदरवाइज दिस हैक इज रियली वेरी गुड। हम लोग अक्सर छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं क्लीन करने के लिए, तो आज मैंने सोचा कि शूज़ वाला हैक भी होना चाहिए। शूज़ हम अक्सर भूल जाते हैं क्लीन करना, तो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। इस तरीके के लाइज़ोल के वेट वाइप्स मिलते हैं, ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मॉइस्चर है जिससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत शाइन आ जाती है। इस तरीके से अगर आप वेट वाइप्स को अंदर और बाहर की तरफ यूज़ करोगे तो एक तो ऑर्डर जो होता है बैड ऑर्डर शूज़ का वो चला जाता है, अच्छा स्मेल करते हैं आपके शूज़, और साथ ही साथ क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। हम जो डेली वेयर में शूज़ पहनते हैं उसमें इतना स्वेट होता है कि इतना डर्ट डिपॉजिट हो जाता है, ये वाइट सोल है तो हमें बहुत ईजली और क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कितने गंदे हो रहे हैं ये शूज़, कितना बैड ऑर्डर होगा इस शूज़ के अंदर। पर जब हम पहनते हैं तो हमें इतना मालूम नहीं चलता है, हम जल्दी जल्दी पहन लेते हैं। अगर हम इस तरह की हैबिट्स डेली रूटीन में डालेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना वेट वाइप से अपने शूज़ क्लीन करना। उसके बाद इस तरीके के हमारे स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं जो साइड से वाइट होते हैं और डेली वेयर में पहनने से गंदे हो जाते हैं, चाहे आप इनको वॉश कर लो डेली रूटीन में तब भी ये अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो आप सिंपल एक टूथपेस्ट इसके चारों तरफ लगा दो जहाँ पे भी ये वाइट एरिया है, और आप इसको वाइप के साथ इसको एक बारी अच्छे से क्लीन कर लो, और आप देखोगे कि इसके अंदर वापस वैसी शाइन आ जाएगी जैसे ये पहले शूज़ थे। और आप इनको थोड़ा सा क्लीन कर लो तो बिल्कुल ये चमक जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये हैक बहुत पसंद आई। ये टूथपेस्ट जो है वो ड्राई हो जाता है, रिमूव भी नहीं होता है, और बहुत अच्छी शाइन आ जाती है आपके शूज़ के अंदर। विंटर्स के टाइम में हम अक्सर अपना वेट गेन कर देते हैं, तो मेजर रीज़न होता है बटर, हर चीज़ में बटर चाहिए होता है। तो अगर हम बटर की क्वांटिटी या उसका इंटेक कम कर देंगे और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। मेरा ये 500 ग्राम्स का बटर है जो मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है। इससे मुझे ये हेल्प मिलती है कि मुझे अंदाज़ा रहता है कि मैंने कुकिंग में कितना बटर डालना है, जिसकी वजह से मेरा बटर अब थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है और मेरा बटर बॉक्स मेसी भी नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं, जैसे कि वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन तो सबको आता होगा, पर हुडीज़ को कैसे फोल्ड करना है ये एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। सारे हुड्स जैकेट्स मेरे अलमीरा में गिर जाते थे, बच्चे उठाते थे तो बिल्कुल अच्छे से सिमेट्री नहीं होती थी। तो मैंने एक बहुत अमेजिंग हैक देखा यूट्यूब पर और मैंने ट्राई किया और मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। इस तरीके से अपनी जैकेट को फोल्ड कीजिए, अंदर की तरफ इसकी हुड्स को कवर कीजिए, और ये हो गया आपका जैकेट रेडी। एक और बार दिखा देती हूँ मैं आपको। आपने कोई भी अपनी जैकेट ली इस तरीके से नॉर्मल, जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे आपने इसको फोल्ड किया, उसके बाद एक आपने लिया टर्न, फिर दूसरा टर्न, और जो कैप है उसको आपने अंदर की तरफ से इसके अंदर डाल दिया। इससे क्या रहता है, सिमेट्री बहुत अच्छी रहती है, आप एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हो, और आपकी बच्चे कितने भी उद्यमी हो, कितने भी शैतान हो, अगर वो चाहेंगे भी ना इनको गिराना तो गिरा नहीं पाएंगे, बहुत ईजिली स्टैक हो जाएगा सब कुछ। अब होती है वार्डरोब मेरी यहाँ पे बंद, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।